नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत हूँ और आज जो गिटार लेसन लेके आया हूँ एक शानदार गाना है। आप लोग समझ गए होंगे, ये रिमझिम रिमझिम डुम झुम डुम झुम 1942 ए लव स्टोरी मूवी का गाना है। एंड इसका कंपोजिशन क्या है, मेरा इंस्पिरेशन आर डी बर्मन जी, और सिंगिंग क्या है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति जी। बहुत ही शानदार रोमांटिक गाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बताना चाहूँगा एक बात, मैं इसी गाने का एक कवर ऑलरेडी बनाया है, तो कवर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगते हैं तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, लाइक कॉमेंट शेयर जितना करते हैं यूट्यूब पे। तो चलिए लेसन की तरफ, मैं मेरे तरफ से 100% कोशिश किया हूँ ये लेसन देने का। तो पहले स्टार्ट करते हैं, सेकंड स्ट्रिंग 8 फ्रेट से स्टार्ट हो रहा है, ये 8 फ्रेट है देख लीजिए, तो 8 फ्रेट से स्टार्ट हो रहा है। पहले गिटार थोड़ा मैं सामने लेके चला जाता हूँ आप लोगों के सुविधा के लिए। तो पहले ये जो स्टार्ट हो रहा है 8 फ्रेट से, तो सेकंड स्ट्रिंग 8 फ्रेट 3 टाइम्स, फिर थर्ड स्ट्रिंग 7 फ्रेट 1 टाइम सिंगल स्ट्रोक, फिर सेकेंड स्ट्रिंग 3rd फ्रेट 3 टाइम्स, तो 1 2 3 1 1 2 3, 8 फ्रेट 8 8, ये पूरा के पूरा सेकेंड स्ट्रिंग पे बज रहा है अभी, 8 11 10 8 6 6, थोड़ा फास्ट है, थर्ड फ्रेट पे ये जो डबल स्ट्रोक हो रहा है, डबल स्ट्रोक के बाद मतलब ये वाला, फिर स्लाइड करके 3rd फ्रेट से स्लाइड करके 7 फ्रेट पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पर जो स्ट्रोक होगा 7 चलते हैं, जो है चलते हैं 7 8 7 फ्रेट स्ट्रोक 8 फ्रेट स्ट्रोक लेके यहाँ पर स्लाइड करके 10 फ्रेट, फिर आप तो 7 8 स्लाइड 10, फिर स्लाइड आप 8 फ्रेट आने के बाद फिर स्ट्रोक, फिर 10, फिर 8 फ्रेट पे वापस आके 8 7, फिर 7, फिर 7 8 स्लाइड होके 10 फ्रेट, फिर 10 फ्रेट से 8 फ्रेट, थोड़ा स्लो देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद रास्ता है जलता, तो यहाँ पर 8 8 10 8 10 11 10 8 10 8
फिर 10 से स्लाइड होकर 11 फ्रेट, फिर यहाँ पर 2 स्ट्रोक। फिर तो ये 2 टाइम्स हो गए, 8 10 8 10 स्लाइड, 11 11 11। फर्स्ट स्ट्रिंग 10 फ्रेट 8 फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग 10 8, फिर सेकंड स्ट्रिंग 11 फ्रेट, फिर 11 10 8। तो 8 फर्स्ट स्ट्रिंग 10 8, फिर सेकंड स्ट्रिंग 11 10 8 10, फिर स्लाइड करके 10 से 6। तो क्या हुआ, मैं इतना तक बताया पहले। फिर सिक्स सिक्स 10 8 6 6। तो सिक्स सिक्स 10 8 6 6 6। 1 1 2 3 4, 1 2 3। फिर स्लाइड करके 4th फ्रेट, यहाँ पर 4 बार स्ट्रोक, 1 2 3, सॉरी 3 बार स्ट्रोक होगा। 4 नंबर स्ट्रोक जो है ये 8 फ्रेट पे होगा, तो 4th फ्रेट पे 4 बार स्ट्रोक हो रहे हैं यहाँ से स्लाइड करके जाने के बाद, ये वाला। फिर 4th फ्रेट, फोर 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 फोर, फिर 8 8 8 8, सॉरी, फिर स्टार्ट हो रहा है जैसे गाना। फिर जो अंतर है, अंतरा और इस गाने में एक बात सेम है, वो है पूरा के पूरे गाने मतलब एक ही टोन के, एक ही ट्यून के ऊपर है, एक ही सुर के ऊपर है, सॉरी एक ही सुर के ऊपर है एक्चुअली। तो दोनों के दोनों अंतरा में ये जो पहले वाला मैंने रास्ता है जल तरंग, ये जो सुर है वही सुर इसमें यूज़ किया गया है, थोड़ा सा चेंजेस है, मैं वो चेंजेस दिखा देता हूँ। इसमें तो चेंजेस नहीं, तो
पहले वाला तो अंतर ऐसा हो गया, फिर ये इस बार जब रिपीट हो रहा है, अंतर जब रिपीट हो रहा है तब चेंजेस है। तो ये जो है चुई है, यहाँ पर थोड़ा सुर ऊंचा है तो यहाँ पर चेंजेस है। ये पहले बजा रहे था हम 8 10 8 10 sorry 11 10 8 6, पर इस बार क्या बजेंगे 8 10 8 11 10, फिर स्लाइड होके 11 सॉरी 13 फ्रेट, 13 फ्रेट जाने के बाद फिर यहाँ पर 6 फ्रेट, तो सॉरी सॉरी फिर सेम है, पूरा के पूरा सेम है, इसी जगह पे थोड़ा चेंजेस है। तो मैं पूरा के पूरा अंतर एक बार दिखा देता हूँ। फिर चेंजेस टेन से 13 फ्रेट, 10 फ्रेट से 13 फ्रेट, फिर 6 फ्रेट। आप लोग समझ मतलब सोच रहे होंगे यहाँ पर 3rd फ्रेट क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, थर्ड स्ट्रिंग ज्यादातर कम यूज किया है मैंने, क्योंकि जब हम गाना बजाते हैं कोई भी गाना, एक चीज मैंने नोटिस किया है, शायद आप लोगों भी नोटिस किए होंगे, ये जो एक स्ट्रिंग पे अगर गाना बजाते हैं, एक या दो स्ट्रिंग के ऊपर, तब क्या होता है टोन का गड़बड़ी जो होता है, ऊंचा नीच ये जो बात होता है ये थोड़ा कम होता है, पर जब सभी स्ट्रिंग के ऊपर करते हैं तब तो नॉर्मली लीड वगैरह तो बहुत ही अच्छा लगता है, गाना भी अच्छा लगता है, कोई मतलब दिक्कत नहीं होता है। फिर भी ये जो स्लाइड करने का जो बात होता है, जब स्लाइड करने का वक्त आता है तब थर्ड मतलब स्ट्रिंग चेंजेस पे वो स्लाइड पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर स्लाइड का काम मतलब स्लाइड जहाँ पर ज़रूरत होता है वहाँ पर एक ही स्ट्रिंग के ऊपर करने का कोशिश करता हूँ। तो ये वाला ही चेंजेस है, ये छोटा सा चेंजेस, ज्यादा नहीं। तो यही था आज का लेसन, ये दूसरे अंतरा में भी सेम है, मैं कोशिश किया हूँ मेरे 100% देने का। अगर कोई भी प्रॉब्लम मतलब गलती हुई हो मुझसे तो ज़रूर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मतलब आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर दूसरा कोई गाने का गिटार लेसन या तो कवर आप लोगों को चाहिए कि कोई भी गाना हो तो वो भी अब बताइए, मैं कोशिश करूँगा वो लेसन देने का, अपलोड करने का, लेसन बनाने का, कवर बनाने का। तो आज इतना तक, फिर मिलते हैं। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, आप लोग
अगर मेरे ये परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो फिर ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कमेंट वगैरह कीजिए। थैंक यू। और कुछ नहीं, ज़्यादातर तो ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू।